अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं भुना कीमा बना रही हूँ। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये ग्रीन अनियन है, ये जब हम कीमा भुनेंगे तब डालेंगे। मसालों में हमें चाहिए 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 पिंच टर्मेरिक पाउडर है, 1 सिनेमन स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंग हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, या आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये हम चीज़ें ड्राई रोस्ट करेंगे, ये बटन चिलीज हैं, 7 से 8 हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून जीरा है। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इनको पीस लेंगे चॉपर में डाल के। बाकी का प्रोसेस अब आपको दिखाते हैं हम। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं और इसको हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हम कीमा डाल देंगे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। आप अनियन रफली कट कर लें, ये सब कीमे में पक जाएंगी। इस स्टेज पे हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये देखें, कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें सब मसाले डाल के थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसमें पानी डाल के हम इसको कीमे को टेंडर होने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम सब मसाले ऐड कर देंगे। मैंने हाथ का कीमा लिया है, इसमें हाथ का कीमा ही रहेगा। और जो ड्राई रोस्ट करेंगे हम मसाले, उन्हें हम जब डालेंगे जब हम कीमा भूनेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। अब हम मसाला अपना ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब ये हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस मसाले को। पैन पहले से गर्म है, बस 30 to 35 सेकेंड्स बस इसको जो है करेंगे, ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस ये 30 to 35 सेकेंड इसको हो गए हैं और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे।
ये जो मसाला हमने बनाया है ये देखें, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है इसमें, सब नज़र आ रहा है, धनिया भी और मिर्चे भी। ये देखें, इस स्टेज पे हम इसमें ये मसाला भी ऐड कर देंगे। इसे मसाला ऐड कर देंगे, अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे हम और फिर इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे भून लेंगे। ये देखें, कीमा अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम ये ग्रीन अनियन ऐड कर देंगे। बस अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसमें हरा धनिया जिंजर हरी मिर्चें बस ये रेडी है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, तैयार हो गया है कीमा। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और इसको आप पराठे के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं। इस तरह से पराठे बनाइए, उसके साथ इन्जॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।